अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर कतर वीज़ा सेंटर का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, इंडिया का कतर वीज़ा सेंटर वेबसाइट। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा है इसमें लिखा है कि अगर आप महाराष्ट्र मुंबई का कतर वीज़ा सेंटर मेडिकल कराने जाते हैं तो आपको अपने साथ में वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट भी कैरी करना होगा। दोस्तों, ये अपडेट थोड़ा पुराना है लेकिन मैंने इसको आज ही देखा है तो आज ही मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ कतर वीज़ा सेंटर की वेबसाइट को खोलकर नहीं देख पाता हूँ, नहीं चेक कर पाता हूँ। अगरचे अपडेट पुराना है लेकिन आप में से जिन भाइयों को इससे पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो उनके लिए एक काम की चीज़ है। अगर आपने मेडिकल कराने के लिए मुंबई के कतर वीज़ा सेंटर में अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो वहाँ पर आपको एंट्री करने के लिए आपने जो वैक्सीन लगवाया है उसका सर्टिफिकेट आपको शो करवाना होगा। इस बात का आप लोग ज़रूर ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और कोई भी आदमी कतर वीज़ा सेंटर जो कि मुंबई में जाए तो वहाँ से किसी को रिटर्न न आना पड़े। अगर आप में से किसी भाई के पास में वैक्सीन की सर्टिफिकेट नहीं है या ये कि वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप जाने से पहले मुंबई में जो कतर वीज़ा सेंटर है वहाँ आपको QVC पेपर में नंबर मिल जाएगा, तो उस नंबर पर कॉल करके एक मरतबा आप कन्फर्मेशन मालूम कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए कि बिना वैक्सीन के वहाँ पर मेडिकल होगा या नहीं होगा। अगर वहाँ पर आपका बिना वैक्सीन के मेडिकल नहीं होगा तो आप इस अपॉइंटमेंट को दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट मुंबई में बना हुआ था लेकिन वहाँ पर आपका वैक्सीन की वजह से मेडिकल नहीं हो पाता है तो आप दिल्ली जाकर के करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको नया अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और इसको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट को बिना ट्रांसफ़र किए हुए चेंज किए हुए आपका दूसरा जगह में मेडिकल नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।